नमस्कार दोस्तों, आज हम आरंभिक नगर अध्याय का अगला भाग लेकर आए हैं। इस पाठ के पिछले भाग में हमने हड़प्पा नगर की कहानी पढ़ी। वहां की नगरी विशेषताओं की चर्चा करते हुए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषताओं को भी हमने जाना। आज के इस अध्याय में हम हड़प्पा के नगरी जीवन, वहां की शिल्पकारी तथा उस काल में विश्व की अन्य सभ्यताओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, हड़प्पा एक विकसित नगर था। अधिकतर लोग नगरों में ही रहना पसंद करते थे। शासकों के महल बड़े सुंदर बने होते थे। शासक वर्ग के लोग हार तथा सोने चांदी के आभूषणों के प्रयोग से अपने शौक पूरा करते थे। कुछ चीजें दूसरी जगहों से भी मंगाई जाती थी। नगरों में लिपिक वर्ग, कलाकार वर्ग तथा स्वर्णकार वर्ग के लोग भी रहते थे। लिपिक वर्ग के लोग लेखन का काम किया करते थे। कलाकार वर्ग विभिन्न प्रकार की नक्काशी का काम करते थे और स्वर्णकार लोग आभूषणों की गढ़ाई का काम करते थे। यहाँ पर लोग दूर दूर तक व्यापार किया करते थे। दूसरी जगहों से वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता था। लोथल में एक बंदरगाह था। यहाँ जहाजों का आना जाना लगा रहता था। शासक वर्ग अपने क्षेत्र के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों की खुदाई करवाते थे। बच्चों, हड़प्पा के लोग गांव में रहकर खेती का काम भी किया करते थे। यहाँ पर लोग धान, गेहूं, मटर तथा सरसों इत्यादि फसलों का उत्पादन किया करते थे। यहाँ मवेशियों के लिए बड़े बड़े चराहगाह भी थे तथा यात्रा करने या फिर माल को इधर उधर ले जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हड़प्पा की अनूठी शिल्पकारी की। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के बाद पुरातत्वविदों को कई चीजें प्राप्त हुईं, जिनमें तांबे व कांसे के औजार, हथियार तथा बर्तन प्राप्त हुए थे। इसके अलावा सोने चांदी के आभूषणों की भी प्राप्ति हुई। इसके अलावा उस काल में सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं को तोलने के लिए बाट का प्रयोग होता था। यह बाट चर्ट पत्थर का बनाया जाता था। यह है मनका, जो कि कार्निलियन पत्थर से बनाया जाता था। इन पत्थरों को काट काट कर या फिर तरास तरास कर इस प्रकार के मनके या फिर हार बनाए जाते थे। ये फलके हैं। हड़प्पा काल में इनका प्रयोग किसी चीज को काटने के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा मिला। इसके अलावा चांदी तथा तांबे के कुछ बर्तनों में भी सूती कपड़े के टुकड़ों व धागों को चिपका पाया गया। अतः कहा जा सकता है कि इस समय सूती वस्त्र तथा बुनाई उद्योग विकसित था। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले सामान में मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहा जाता था। यह मुहर इसलिए लगाई जाती थी ताकि पता चल सके कि सामान बीच में खुला तो नहीं, या फिर उस सामान में रास्ते में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। बच्चों, इस पुजारी की मूर्ति को देखिए। इसके चेहरे तथा इसकी दाढ़ी को बहुत आकर्षक ढंग से दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि यह किसी विशेष मूर्तिकार द्वारा बनाई गई होगी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान विश्व में भी अनेक सभ्यताएं पनप रही थी। इनमें से एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया, जो कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। यह दजला तथा फरात दो नदियों के बीच विकसित हुई थी। इसका विस्तार आज के इराक, सीरिया, तुर्की तथा ईरान क्षेत्रों तक था। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। हड़प्पा तथा मेसोपोटामिया में आपसी व्यापारिक संबंध तथा सांस्कृतिक संबंध था।
कुछ हड़प्पा कालीन वस्तुएं मेसोपोटामिया में मिली जबकि कुछ मेसोपोटामिया की वस्तुएं हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त हुई। आइए अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने हड़प्पा के नगरी जीवन पर प्रकाश डालते हुए वहां की अनूठी शिल्पकारी का अध्ययन किया और इस काल में विश्व की अन्य सभ्यता मेसोपोटामिया का भी हमने आज जिक्र किया और उसके बारे में चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।